हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज का मैच जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये हमारे सब्सक्राइबर के कहने पे लगाया गया है मैच है। तो उनका सजेशन आया था, बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहेगा गाइस, क्योंकि ये मैच है टीम स्पीयर वर्सेज टीम पावर बम। तो गाइस, अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके जल्दी से इतने लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैच स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो गाइस, रेफरी के इशारे के साथ मैच स्टार्ट होता हुआ आमना सामना करते हैं एज और बतिस्ता। तो गाइस, बहुत ही जबरदस्त मैच की स्टार्ट होता हुआ यहाँ पर। तो आते ही शुरुआत से कंट्रोल लेने की पूरी कोशिश करें बतिस्ता यहाँ पर। अभी देखते हैं किसका फिनिशर आता है सबसे पहले, क्योंकि तो दो फिनिशर आए हुए हैं दोनों के पास। अभी कौन लगाने वाला है फिनिशर, देखते हैं गाइस। और यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल बनाते हैं बतिस्ता, और जवाब नहीं गाइस मैच में। और गाइज, अभी कल का मैच जिसने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कर दिया है मैंने, तो जाके देखिए, वो भी मैच बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। और यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं, पावर बम आने वाला है गाइज पहला। चलिए, बहुत ही बढ़िया गाइज, कनेक्ट करते हुए यहाँ पे बतिस्ता बम। ना 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 भैया भैया, एक बम से क्या होगा इनका, दो तीन पावर बम लगाओ जब होगा कुछ कमाल। पहले पावर बम में कोशिश कर रहे हैं कवर करने की। और गाइस, हमारे टकलू रेफरी आ चुके हैं रिंग के अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद इनकी वापसी हुई है हमारे रेफरी की। तो गाइस, यहां पे पूरी तरीके से कंट्रोल बनाते हुए यहां पर बतिस्ता पहले पावर बम लगा चुके हैं, अभी दूसरे की तैयारी में लग रहा है मेरे को। भैया मुझे लग रहा है दूसरा भी आने वाला है। ना ना, अभी नहीं लगाएंगे, मुझे लग रहा है टैग देंगे। भाई साहब टैग दे दिया गया, लीगल हो गए यहाँ पर गंथर। तो गाइस, अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यार, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार। वीडियो को पसंद कर रही है तो लाइक भी करिए यार, बेल आइकॉन को ऑन करिए यार, ताकि जो भी हमारी वीडियो आती रहे तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे, आप मिस ना करें कोई भी वीडियो हमारी। तो इसी तरह धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और यहाँ पर पूरी तरीके से भीड़ बढ़ती हुई यहाँ पर रिंग के अंदर गाइस, रेफरी का इशारा बाहर जाने का कि रिंग से बाहर जाइए, मैच में दखलंदाजी ना करिए। भैया हमारे टकलू रेफरी जो है बहुत ही ज़्यादा सख्त है इस मामले में, फौरन पोजीशन ले लेते हैं, बिल्कुल गुस्सा आ जाता है इनको। ये देखिए किस तरीके से गुस्से में खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है बस किसी भी समय मैच ही ख़त्म कर देंगे, एक मिनट सस्पेंड मैच। अरे सर ध्यान दीजिए थोड़ा इधर की तरफ भी, मैच की तरफ थोड़ा। सिग्नेचर फिनिशर देखिए, आप भी ज़रा जोश में आइए। सही है, बढ़िया, सिग्नेचर फिनिशर का नाम लेते फौरन पलट गए। चलिए, बहुत बढ़िया टैग हो गया, यहाँ पर लीगल हो गए गोल्डबर्ग सर, अंडरटेकर सर के सामने मुकाबला करते हुए यहाँ पर गोल्डबर्ग। चलिए बहुत बढ़िया, अब स्पीयर देखने को मिलने वाला है हमें कुछ ही समय में, लगा दो सर। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आपने, बिग बूट का स्वाद चख लिया अंडरटेकर सर से। अरे सर कितनी देर में वापसी करेंगे आप अपनी, कहीं से ना पिटते रहो अंडरटेकर सर से, कवर करा चलो यहाँ पर वन। भैया किक आउट कर दिया पहले में, ऐसी बात नहीं है, गोल्डबर्ग सर है। अरे सर स्पीयर लगा दो, एक मज़ा आ जाएगा देखने में, पब्लिक जो है ना बड़े हर्ष उल्लास से मैच देखने आई है। और हमारे टकलू रेफरी की वापसी हुई तो ज़रा इनको भी कमाल दिखा दो कुछ। अरे सर रेफरी साहब कहाँ जाके खड़े हैं आप, बिल्कुल मैच में ज़रा थोड़ा आगे आइए। अरे भाई इनको भी कोई फिक्र नहीं है ज़्यादा, बस जोश आ जाता है इनको, एक मिनट में गुस्सा कर लेते हैं ये। अरे सर वहाँ कहाँ देख रहे हैं पब्लिक की तरफ, देखिए रेफरी को देखिए सर, आज इनका ध्यान ही नहीं है कहीं पर भी। अरे भाई साहब हमारे टकलू रेफरी क्या कर रहा है यार, स्पीयर मिलने वाला गाइस मुझे लग रहा है थोड़ी देर में, बहुत ही बढ़िया। अरे भैया वापसी कंट्रोल बनाते हैं फौरन चले जाते हैं। भाई ये बिग बूट मिल गया यार, क्या कर रहे थे एश सर। अरे भाई साहब एक तो हमारे रेफरी का ध्यान नहीं है कि मैच के ऊपर, इधर उधर ध्यान जाता है, कभी वो जनता की तरफ देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं, कभी क्या कर रहे हैं रेफरी साहब भी। अब इतनी देर के बाद वो कंट्रोल बनाते हैं तो छूट जाता कंट्रोल। अरे भाई ध्यान दो थोड़ा मैच पर यार, हमारे टकलू रेफरी क्या कर रहा हो। अरे भाई साहब मुझे लग रहा है मैच में भीड़ बढ़ती आ रही है थोड़े थोड़े समय में, स्पीयर के स्वाद चखा दो ज़बरदस्त लगा दो। एच क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे लगा जा रहा है स्पीयर के लिए, ना बुढ़ गया इतनी देर में तो लो बिग बूट मिल गया। ये समझिए भाई साहब टीम स्पीयर और टीम पावर बम दोनों में से वो कम नहीं है, ज़बरदस्त मारुति धुरंधर है दोनों में। अरे भैया टैग दे दो जाकर, क्या कर रहा हो यार, रोमन तड़प गया पूरी तरीके से, जाओ तुम तो कह रहे जाओ खुद ही झेलो तुम तो। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर वापसी करते हुए एज, चलो टैग दे दो जाके फौरन। हाँ ये चलाकी भरा तरीका है बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जाओ फौरन यहाँ पर आ गए लीगल होकर रोमनिंग। और चौक पे चौक चौक पे चौक पड़ रही है भाई साहब, क्या कर रहा हो यार, रोमन को चौक से हराओगे क्या भाई, फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एज, लेकिन निकल गए वो यहाँ से।
गंतर थोड़ी देर अगर यहाँ पे रुके ना तो कुछ समय में मुझे लगा स्पेयर मिलने वाला है तुम्हारे को। यहाँ पे बहुत बढ़िया शुरुआत करी है रोमन ने, तो एक नेक ब्रेकर की शुरुआत देने जा रहा है। चलिए कनेक्ट कर दिया नेक ब्रेकर, टैग देंगे मुझे लग रही है दोबारा से। भाई साहब स्पेयर की तैयारी है, कनेक्ट तो कर दिया तो बुरा हाल होने वाला है गंतर का। बहुत ही बढ़िया गाइस स्टार्ट कर दिया यार, चलो जल्दी से कवर ना यार, बचा लेंगे इतनी देर में यार। इनको नॉकआउट ही करना पड़ेगा मैच में, शुरुआत में तो नॉकआउट। गिलिटिन भैया, गिलिटिन उसको लगाने की ज़रूरत क्या थी, गिलिटिन देनी थी तो उसको देते हैं, जो लीगल था लीगल आदमी को देनी थी गिलिटिन। रोमन नीचे आ जाओ फौरन से फौरन, अभी सुपरमैन पंच भी आने वाला है, ऐसी बात नहीं है। सुपरमैन पंच स्पीयर सब मिलने सब देखने को मिलेगा भाई, सब पब्लिक जोश और खरोश के साथ दसम मचाई पड़ी है पूरी तरीके से। ऐसा लग रहा है कि आज मैच में रेफरी के साथ साथ जो ना जनता का ध्यान भी है रेफरी की तरफ है। ये देखिए रेफरी तो सुध बुध खड़े में बस, कोई ज़्यादा हमारे टकलू रेफरी है ना, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देते ज़्यादा मैच पे। भाई साहब एक और DDT बहुत बढ़िया भाई, रोमन दो दो स्पेयर रखे हुए यार, क्या कर रहा हो, लगा दो जरा कनेक्ट कर दो मजा आ जाए। चलो आ गए अंडरटेकर सर, आते ही नेक ब्रेकर मिल गया इनको, तो टैग देंगे मुझे लग रहा है। गोल्डबर्ग सर को टैग दे दिया यहाँ पर, आमना सामना करते हुए गोल्डबर्ग अंडरटेकर, दो धुरंधर महारथी मुझे लग रहा है जैक हैमर की तैयारी है। चलिए बहुत बढ़िया कनेक्ट कर देंगे तो मजा आ जाएगा, कनेक्ट कर दिया गाइस। भैया बतिस्टा आ गया बीच में, जब तक दोनों टीमों में से एक भी नॉकआउट नहीं होता जब तक ऐसे चलता रहेगा ये मैच। शुरुआत में जो है नॉकआउट से होगी, पिन से तो होने वाली नहीं है। चलिए मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया पूरी तरीके से कंट्रोल बनाते हुए यहाँ पर गोल्डबर्ग सर, स्पीयर आने वाला है मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल स्पीयर भाई साहब, स्पीयर पे स्पीयर देखने को मिल रहा है, मज़ा आ गया स्पीयर। चलिए कनेक्ट कर दिया तो मज़ा आ गया भाई साहब, पूरी तरीके से रिवर्सल करते हुए यहाँ पे अंडरटेकर सर ने रिवर्सल कर दिया। चलो कवर स्पीयर बेकार गया यहाँ पे गोल्डबर्ग सर का, और मुझे लगा पावर बम आने वाला है इनका, टू स्टोन पावर ड्राइवर। चलो गए भाई साहब स्टार्ट कर दिया, चलो बचा लो यार एज, क्या कर रहे हो। टीम पावर बम भी गाइस ज़बरदस्त टीम है यार, अगर रोमन टीम में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामने वाली टीम भी कमज़ोर नहीं है यार, पूरी तरीके से कंट्रोल बना लेती है फौरन से फौरन मैच में। चलिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रिवर्सल कर दिया वह भाई साहब, मुझे लग रहा था अभी लगाने वाले थे चौक स्लैम, भाई साहब बचा लिया किसी बिल्कुल सही समय पे, अगर हमला नहीं करते तो चौक स्लैम लग जाती मुझे लग रहा था। फिर दोबारा जैक हैमर की तैयारी है गाइस, वह भाई साहब जैक हैमर पे जैक हैमर लग रहा है, स्पीयर तो तोड़ दिया उन्होंने। चलिए कवर करेंगे दोबारा से, 1 2। अबे बतिस्टा भाई तुम भी भाई बड़ी जल्दी है, जब तक नॉकआउट नहीं करेंगे किसी न किसी एक को, जब तक ये मुझे लग रहा है ऐसे ही होता रहेगा, बार बार आते रहेंगे, पिन तो होने ही नहीं देंगे। चलिए अब भाई साहब फिर दोबारा से लग रही है, फिर दोबारा से फिनिशर आ गया भाई साहब इनका, दूसरा फिनिशर खा लिया। चलो गए, दो फिनिशर खाते काम हो गया इनका, तो गए गोल्डबर्ग सर को, अंडरटेकर ने बाहर कर दिया गोल्डबर्ग सर को रिंग से, एक एलिमिनेट हुआ है गाइस गोल्डबर्ग सर का टीम स्पीयर की तरफ से। ये तो लगा पावर बम मिलने वाला है बतिस्टा की तरफ से, चलो बतिस्टा बम देखने को मिलेगा गाइस अभी कुछ ही समय में। बहुत ही बढ़िया गाइस यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल बनाते हैं रोमन के ऊपर बतिस्टा, और आ गया गाइस बतिस्टा बॉम्ब। अबे भाई साहब पूरी हेल्थ खा गया यार रोमन की, तो चलो कवर 1। एज क्या कर रहा है यार, इतनी देर लगा रहा आने में, जल्दी से जल्दी आना चाहिए तुम्हारे को रिंग में, और पिटने के लिए नहीं आए थे यार, निकल जाते बस मार मूर के, टकलू रेफरी ना थोड़ा ध्यान नहीं देते ज़्यादा। अरे भाई बाहर फेंक दिया उन्होंने रिंग से भी, चलो टकलू रेफरी को देखो कैसे आराम से बाहर खड़े में, भैया थोड़ा सख्त हो जाओ जैसे। बहुत ही बढ़िया स्पीड आने वाला गाइस, सुपरमैन पंच तो कनेक्ट कर दिया उन्होंने। चलिए बहुत ही बढ़िया गया, कवर तो कर नहीं पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, बचा लेंगे। मैं किक आउट कर दिया भाई, बचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रोमन क्या कर रहा हो, एक स्पेयर रोल लगा तो मज़ा आ जाएगा, मिस ना करना, तो कर दिया मिस। भाई साहब अगर कनेक्ट हो जाता भाई साहब तो गए थे मुझे लग रहा था, बतिस्टा का काम हो जाता एलिमिनेट, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो पाया ना तो ये बाजी पलट गई यहाँ पर, और वापसी कंट्रोल लेते हुए यहाँ पर बतिस्टा। भाई रोमन भैया क्या कर रहा हो यार, तुम्हारी टीम तो मजबूत थी इतनी ज़बरदस्त, तुम्हारी तरफ से सबसे पहले एलिमिनेट हुआ है।
भाई मुझे लग रहा है गाइस एक और मुझे लग रहा है पावर बम आने वाला है। चलो टैग दे दिया यहाँ पर, लीगल हो गया एच एच, फायदा उठा लो जल्दी से आके, देर मत करो, इतनी देर करोगे तो बस फिर हो गया काम। लगा दो जल्दी से स्पियर एक, बहुत ही बढ़िया DDT, स्पियर लगा दो जल्दी, कनेक्ट करो बतिस्टा पे, बतिस्टा गया। चलिए सिग्नेचर लगाया यहाँ पर, चलो कवर बचा लेंगे यार वो इतनी देर में, ये तो होने ही वाला है, ये बचाते रहेंगे तो। यहाँ से बाहर फेंका, चलो गंथर का तो अंडरटेकर सर के पीछे ना जाओ यार, ये गलती ना करो। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो ये, जल्दी से रिंग में आओ बतिस्टा, आ जाओ जल्दी से अंदर रिंग में। अरे तुम कहाँ जा रहे हो यार, ये गलती करो, अंदर बाहर नहीं जाना, आदमी कम है तुम्हारे पास, अब एक आदमी की कमी है और बाहर ही लड़ लो, अंदर जाओ, नुकसान उठाना पड़ेगा इसका मुझे लग रहा है। चलो अब उसके पीछे क्यों जा गंथर के यार, ये एज को क्या हो गया, बट टकलू रेफरी जल्दी जल्दी गिनती गिनो आ जाएंगे। भाई साहब पिटाई होने के लिए जाना था ना, देखो ये हुआ बाजी पलट गई यहाँ पर एच की गलती की वजह से, यहाँ पर गाइस मैच आ गया, रोमन की टीम हारेगी ना, स्पेयर टीम स्पेयर तो मुझे लग रहा है ये इसी वजह से हारेगी, ये गलती है यहाँ पे एज ने करी है। एच को कंट्रोल मिल गया था लेकिन कंट्रोल में ध्यान नहीं दिया, गंथर को मारने चले गए, बाहर चले गए, भैया टैग हो गया मुझे लग रहा है, अंडरटेकर सर निपटा देंगे एच को। स्पियर आ गया गाइस एक मिनट, भाई साहब क्या स्पियर लगाया यार, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था अंडरटेकर सर ही ठोक देंगे इसको, उन्होंने उल्टा उसने एज नहीं ठोक दिया। चलिए यहाँ पर एलिमिनेट एज का भी हो गया है, उधर से अंडरटेकर सर गए, इधर से एज जा चुके हैं, इधर के दो उधर के एक, और गंथर और बतिस्टा बचे गाइस, और सामने रोमन रिंग्स अकेले, नेक ब्रेकर चुप गया गाइस नेक ब्रेकर से तो। चलिए अंदर जाइए रिंग में, अबे भाई साहब मुझे लग रहा है ये कंट्रोल खो दिया उन्होंने रोमन ने भी, ये दोनों मिलके बहुत पीटने वाले गंथर और बतिस्टा। रोमन वापसी करो फौरन से फौरन, जल्द से जल्द, अबे भैया मुझे लगा टीम स्पियर के टाइम आ गया हारने का। रोमन अंदर जाओ यार, क्या करो, रोमन को अंदर भेजो यार, बतिस्टा तुम ही भेज दो, ये तो भारी मारने पे लगे, मैं इनको भारी पीट करूँ बस। बट टकलू रेफरी जल्दी जल्दी गिनती गिनो कितना होगा, 5, चलो ये बिग डॉग को जल्दी भेजो यार अंदर, 6, टकलू रेफरी क्या करो, जनता पे ध्यान मत देना बंद करो, इधर उधर देखो भाई साहब, इधर ये टकलू रेफरी ऐसे हैं जनता पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इधर उधर ध्यान चले जाता है इनका, सख बहुत है लेकिन गुस्सा आ जाता है इनको। टैग देने वाले मुझे गंथर को, चलिए टैग दे दिया, लीगल हो गया गंथर, गंथर पावर बम लगा देंगे भाई साहब, आते आते आने वाले हैं इनका भी, सिग्नेचर आया हुआ था गाइस लगा दिया इन्होंने, सबमिशन मूव में फंसा दिया गाइस रोमन को। चलिए रेजिलेंसी यूज़ कर ली इन्होंने, निकल गए भैया, रोमन की रेजिलेंसी खा गया यार गंथर, अब तो चांस और कम होगा यार रोमन के जीतने के, स्पेयर आने वाला गाइस मुझे लग रहा है, भैया वापिस आ गए, ऐसी गलती करोगे तो भाई भारी होना पड़ेगा, ये गलती करी है इन्होंने। चलो कवर 1, 2, 3, चलिए टीम पावर बम जीत गई गाइस ये समर स्लैम का मैच, यार मेरे को लगा था रोमन वाली साइड से टीम जीतेगी यार, ये तो जीत गई अंडरटेकर सर की तरफ से गाइस। चलो बहुत बढ़िया मैच था यार, जवाब नहीं अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा यार, अब तो लाइक सब्सक्राइब कर लो वीडियो को यार, इतना टाइम लगा तो। चलिए गाइस अब वीडियो को करते हैं डी एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Some pure luck.